भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष महादेव दुबे ने उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के नाम एक ज्ञापन उप विकास आयुक्त शशि भूषण मेहरा को सौंपा और बालू उठाव व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने की मांग व पूर्व मेयर सुनील पासवान को पद से विमुक्त कर दिए जाने मामले में दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि जिले में किसी घाट के नीलामी नहीं होने से स्थानीय लोगों की जरूरत के लिए बालू कैसे मिले इसकी कोई व्यवस्था सरकारी स्तर पर नहीं की गई है, जिससे रोजमर्रा निर्माण कार्य व सरकारी योजना आदि के लिए बालू की कमी हो गई है। कहा कि सरकारी स्तर पर बालू की व्यवस्था नहीं रहने से बालू तस्करों की चांदी हो गई है और वे बालू घाट पुल पुलिया को नुकसान पहुंचाकर अपनी गाढ़ी कमाई करने में जुट गए हैं, जिसका दुष्परिणाम स्थानीय लोगों को झेलना पड़ रहा है। लोग अपनी जरूरत के लिए बालू तस्करों से ऊंची कीमत पर बालू खरीदने पर मजबूर है। बताया गया कि इसी मुद्दे पर आगामी 6 दिसंबर को ट्रैक्टर चालक मालिक व मजदूर अपने अपने ट्रैक्टर के साथ जिला मुख्यालय में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन में राजधनवार विधायक सह झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी, जमुआ विधायक केदार हजरा, पूर्व सांसद रविन्द्र राय, रविन्द्र पांडे, पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी, जयप्रकाश वर्मा, नागेंद्र महतो, चंद्रमोहन प्रसाद, पूर्व मेयर सुनील पासवान समेत अन्य भाजपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। ज्ञापन के माध्यम से यह भी कहा गया कि कोर्ट में मामला लंबित होने के बावजूद झारखंड सरकार ने आनन फानन में लोकतांत्रिक पद्धति से मेयर पद के लिए चुने गए भाजपा नेता सुनील पासवान को उनके पद से विमुक्त कर दिया है। पार्टी इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई की मांग करती है। जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भ्रष्ट सरकार होश में आओ, होश में आओ, भ्रष्ट सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। उपायुक्त महोदय किसी कारणवश कार्यालय में उपस्थित नहीं रहने के कारण उन्हीं के आदेश पर उप विकास आयुक्त गिरिडीह के समक्ष भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला का एक शिष्टमंडल मिलकर हम लोग मांग पत्र सौंपे हैं कि झारखंड सरकार हर जगह भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। यहाँ के जनता के बारे में इन्हें कोई चिंता नहीं है। जल जंगल और जमीन के नारा देकर ये सत्ता में आए थे और यह सरकार जल जमीन और जंगल को बेचने का काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि आम जनता के पास भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास का मुहैया बड़ी मात्रा में कराया गया है और बालू के अभाव में न प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, न शौचालय का निर्माण हो रहा है और बालू के चलते यहाँ बालू माफिया के द्वारा बालू को बाहर भेजा जा रहा है, बालू बेचा जा रहा है। कितने घाटों की नीलामी है ये भी पता नहीं है। जिस घाट की नीलामी नहीं है वहां से भी अगर यदि प्रधानमंत्री आवास के लिए लोग बालू उठाना चाहते हैं तो यहां के राज्य सरकार के इशारे पर ट्रैक्टर को पकड़ लिया जाता है, जिससे मजदूरों के बीच में, ट्रैक्टर के बीच में, ट्रैक्टर ड्राइवर के बीच में भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। सारे विकास के कार्य ठप हैं। इसलिए हम सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग आज उप विकास आयुक्त महोदय से एक ज्ञापन सौंप कर राज्य सरकार से मांग करते हैं कि यदि आप इसकी जल्द से जल्द समस्या का समाधान नहीं करते हैं, गरीबों के बीच में, प्रधानमंत्री आवास के लाभुकों के बीच में आसानी से बालू उपलब्ध अगर नहीं कराते हैं तो भारतीय जनता पार्टी पूरे जिला कमेटी 8 दिसंबर को ट्रैक्टर से लेकर उसके मजदूर, उसके ड्राइवर और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे और पूरे कलेक्ट्रेट को ट्रैक्टर के माध्यम से, उसके ड्राइवर के माध्यम से, उसके लेबर के माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। हम लोग सूचित करना चाहते हैं राज्य सरकार को, ये जो बालू के बारे में बोला गया है और ट्रैक्टर लेकर के प्रदर्शन करेंगे, ये सरकार को शर्म होनी चाहिए जो इतना ये गलीज काम कर रहे हैं। और उन्होंने पहले क्या वादा किए थे, वादे करके उन्होंने सरकार में आ गए और सरकार में तानाशाही कर रहे हैं। ये तानाशाही बीजेपी सरकार, बीजेपी के कार्यकर्ता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और हम लोग यहाँ से क्या, जिला से क्या, मैं हम लोग सदन तक जाएंगे और विरोध करेंगे सरकार को। और सरकार को काम करना होगा, नहीं कहे तो गद्दी छोड़ दें। हम लोग सारी महिला मैदान में उतर जाएंगे विरोध।